सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, सबसे पहले गुरु की वंदना। रोज कहिरा गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु देव महेशराज, गुरु साक्षात पारिब्रह्म तस्मै गुरु देव नमः। गुरु ब्रह्मा का समान, गुरु विष्णु का समान। गुरु शब्द को ध्यान देना है। गु नाम अंधकार और रु नाम प्रकाश। गु रु, रु नाम प्रकाश होता मेरे भाइयों। गुरु प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु प्रकाशम जीवन को प्रकाशित करता है। जो वस्तु नहीं देखाती, जो नहीं मालूम है, जो रस्तो नहीं देखा तो है, नहीं मिलतो है, वो मार्ग गुरु दर्शावे। बाकी मानवतन ज्ञान से भरपूर है। दिमाग प्रधानमंत्री छे, अपन दिमाग प्रधानमंत्री छे। आंख निरीक्षण मंत्री छे। ये छोटो छे, ये बड़ो छे, ये अच्छो छे, ये बुरो छे। कान सूचना मंत्री। सूचना यहां से मिले कान से। जसो बाहर आज मंत्रिमंडल बैठो, आसो हेम भी मंत्रिमंडल छे। हमारा भाई लोग यहां बैठे। दांत निर्माण मंत्री को काम छे पिसना को। जीभ सूचना मंत्री, खाटो छे, मीठो छे, फीको छे। ये जीभ सूचना मंत्री आए। हाथ शरम मंत्री। कई शर्म दान करू, हाथ जोड़ना कर लीजिए, ये शरम मंत्री। पेट खाद्य मंत्री आए। पेट खाद्य मंत्री, सब खाई वो सबका खाद्य बना ही दियो। पेट खाद्य मंत्री। पैर पर्यटन मंत्री आए। ये मंत्री सही छे जब तक आप पर्यटन करी सका। संत महात्मा बतेरा, और जो गुरु का पद है वो सबसे ऊंचा है। दिमाग का ऊपर भी जहां पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। बोल गुरु सिंघा जी महाराज की जय। ये अनुभवी न की कथा है, अनुभव स्वयं का अनुभव, अपना अनुभव। संत सिंघाजी बाबा कहते हैं कि ये जीवन को स्वयं का अनुभव करना, और अनुभव करके फिर कितनी चीज से बचना, कितना दोष बताया बाबा ने। एक आदो नहीं मेरे भाई बहनों, 30 दोष भी छे कितना, 30 दोष। अपन कमाज की नहीं नहीं कहीं का मारनो नहीं, मारना सी दोष लग। बाबा संत सिंघा जी ना ये 30 दोष से बचा। एक आदो नहीं, 30 दोष। नियम 27 है गुरुमुखी का लिए। नियम 27 नियम, और 30 दोष से बचू। सबसे बड़ो दोष पहलो बतायो, दोष मदमास खाए का। पहलो दोष, सबसे बड़ो दोष मद और मास, ये सबसे बड़ो दोष। क्योंकि मानव है, मानव देवता है, और एक अंदर राम बैठेल छे, कृष्ण बैठेल छे, शंकर बैठेल छे, गणपति बैठेल छे, ब्रह्मा छे, विष्णु छे, गुरुदेव बैठेल छे, जीव आत्मा बैठेल छे। सबसे बड़ा दोष, पहला दोष क्या है, दोष मदमास खाए का।
दो संप्रदाय है, देवी संप्रदाय और असुर संप्रदाय। देवी संप्रदाय को जीव 56 प्रकार का व्यंजन को भोग लगा होगा, 56 प्रकार का व्यंजन, पर वो आगे नहीं बढ़ना को, वो खा लिए बहुत सारा व्यंजन। पर जो भूल करो, जो नहीं जानते हो, वो अन्न देव का गलत चीज में मिले ना भक्षण करो, वो खा दोष बताया बाबा ने, कि दोष मदमास खाए का सबसे बड़ो दोष, दोष फिर दूसरा नंबर चोरी अन्याय किए का, चोरी अन्याय का। ए, बाबा ये 30 दोष नसी बचा, चोरी और अन्याय, दूसरा नंबर को दोष ये हो। और आसो नहीं, चोरी जरा से बात में चोरी, बिना पूछे किसी का खेत का आप चाहे बटाना भी नहीं तोड़ी सकता, चना भी नहीं उकाड़ी सकता बिना पूछे। आसो नहीं कि हमारा दोस्त को खेत आए ना, वो खेत में नहीं है, आप लोग तो खेत आए, नहीं नहीं उसका मालिक अलग है। बिना आज्ञा से सबने का मालूम छे कि बिना आज्ञा से फल तोड़े थो कूड़ा तोड़े थो का वो आगत कथा है। दोष चोरी अन्याय किया का, दोष चुगली किया का, चुगली करना को नंबर तीसरा पायो कि चुगली करनू बड़ो दोष। पर अपन रवाज का ही जरा सी कभी कहीं कहा कि गलत बात मालूम हुई जाए कि वो फलाना भाई घर आसो आसो भी, वो तो एक कई दिन में बंबई तक की खबर चली जाए, न कभी गांव में कथा हुई रही, आए वो पटेल ने कवा कथा कर ली भाई, उतनी बड़ी कथा हुईगी पर गांव में मालूम नहीं हुई। चुगली की बात माए बैठने का जरा भी नहीं और पेट में रहती, भाई लोग तो थोड़ा बहुत पचे भी ले, पर माए बहन तो जल्दी कौवा दिन निकल न कौवा पड़ोसियन का कौच का बहन तुखा कल की बात मालूम हुई, हाउ तुखज कही रही कोई का कही जे मत आगे बढ़ेगा। संत महात्मा विचार करा कि बाबा दोष पराई निंदा किए का, पराई निंदा ये तन परायो आए, ये वतन पराई आए, अपनो नहीं होए। बाबा कह रहा ये पराई निंदा किए का, अब दूसरा की निंदा कर रहा, वो आसो छे रे, वो ओखा घर आसो छे रे, वो भाइयो ओसो छे, वो बहन ओसी छे, आसी अंगड़ाई उठाई रहा, तो ये समझ जो एक उंगली तो ओखा तरफ जाई रही पर तीन उंगली कले जाई रही अपना तरफ, ये तू ओखा काई कर जरा थारा तरफ भी तो देख। बुरा ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो घट खोजे अपना मौसी बुरा को, बुरा ढूंढन चालिया बुरा न मिले कोई, जो घट खोजा अपना मौसी बुरानी। दोष कड़ी जबान बोले का, कहीं का झटका सी बोल लो ओको भी दोष बताए। कुदृष्टि देखे का, देखी रहा जरूर, देखो परखो पर तको मत, बाबा कहे कुदृष्टि देखे का, देखो जरूर पर देखो परखो पर तको मत, वाणी कभी बोलो बोलो जरूर पर बोलो चालो पर बको मत, ऐसा मत बोलो कि किसी का ठोस पहुंची जाए। बाबा ना सिंगा बाबा ना अपना जीवन का आसो सुधारियो, जैसी माय बहन ना चावल बसी कंकर एक एक निकाले ने फेंक, चावल ना गार एक सरीका हो सफेद सफेद पर चश्मा लगे ले नहीं देखा तो, पर गार का निकालनू पड़ा नहीं तो वो तकलीफ दे देखाना। एक हालिए बाबा ना जीवन का इस प्रकार से एक एक सुधार की कड़ी, और ये अपना लेना करी न गया, उन्ना तो करेगा वो तो पूर्ण हुईगा परमात्मा हुईगा, उनको तो जीवन सफल हुईगो पर ये अपना लेना छोड़ी न गया। जैसो पिताजी धन कमाई कमाई ना बच्चा का लिए रखज कि भैया मैंने तो मारी बजाई दी रे पर आप तू थारी बजा जी,
हाँ थारा लिए एतरो रखी जाइरो जेख तो फिर आप बढ़ाजे थारो काम आए बढ़ाजे तो बढ़ाजे नहीं तो घटाजे भाई आप बहुत थारी काम। इस प्रकार से महान पुरुष न अपना लिए पर्याप्त चीज छोड़ी न गया कि हाँ इसको अमल में करना इसको काम में लेना अपना जीवन का अंदर उतार जे और फिर इस प्रकार से अपना जीवन का निर्वाह कर जे। दोष जीव हतन किए का मारनू ये भी दोष बड़ो बतायो दोष जीव हतन किए का पर आपन तो चलता चलता जीव न को मार देवा बाबा कहे कि नाग पंचमी आई गई तो पूरो गांव पूजा करण जा चलो पंचमी की पूजा करांगा चलो पंचमी की पूजा करांगा नाग बाबा की दूध पिवाड़ांगा नहीं है घर में दूध कहे कि फलाना गांव से लाओ जो गाय को दूध कलेसी भी तो ढूंढी ना लाया पूजा करी ना आए ना घर में एक कभी बिलास खान को देखा को तो लाकड़ी जल्दी लाओ मार जो कबीर बाबा ने कही तांबा पीतल को नाग बनायो एक पूजा सब लोग लुगायो तांबा पीतल को नाग बनायो एक पूजा सब लोग लुगायो साचो नाग जब घर में निकलो ले लाठी धम कयो रे अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो साचो नाग घर में साप जो भाग्यो तो बिल में भरइयो दर में भरइयो फिर भी लोग वो आवड़िया के ऊपर लठ न मारे। मेरे भाई बहनों साप एका अंदर छे ये आवड़िया का मत लठ न मार जो कि नहीं तीन दिन तक का उपास रहूंगा मैं तो एक पैर पे खड़ा रहूंगा जटा न हमारी जमीन तक घिसड़े रही न साप आवड़िया मचे हो ये आवड़ियो आए एक हता अच्छो ज राखणू पड़े। बाबा कहे क्या रे जे छोटा छोटा बाल नमा अपन परेशान छे हाँ रोज कंगो करनू पड़े हमारी माई बहन ने तो रोज शैम्पू सी ने साबु सी माथा धोवे फिर भी ओमा कलेसी ने कलेसी कहीं ना कहीं एकादी आई जाए रोज मारना का बाद में भी निकालना का बाद में भी क्यों हमारे बाबा ने रात का भजन गायो थो कि ये चौथी डगरिया उदबेज की पाई पर खून पीती गोचड़ी वहां था यामृत भरा सदगुरु की डगरिया में आनंद भरा। धन हो संतों ने ऐसा ऐसा प्रमाण दिया है मानव को समझाने के लिए। बाबा ने भजन रात को गायो थो पटवारी साहब बाबा ये आपका सामने बैठे आए और बाबा ने कही सतगुरु की डगरिया में आनंद भरा 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 मंगलाचार रे घना सतगुरु की डगरिया में आनंद भरा
खांड मेरे भाई बहनों, चार खांड लोकन चार खांड भर में नयो, चार खांड 84 भर में हो, जब जाई नर दे धरी चार खांड। चार खांड में पहली खांड है पिंडज, दूसरी अंडज, तीसरी जरायु और चौथी उद्वेज। ये चार खांड है। कसा कसा पिंड से पैदा होने वाला 21 लाख जीव कैसे पैदा हो, ये पिंड से अपन पिंड में गिनती आया, पिंड माता का गर्भ में पिंड तैयार हुयो, पिंड से तैयार होने वाला 21 लाख जीव। फिर देखा बाद में अंडज से पैदा होने वाला जीव, ये पक्षी जो उड़ी रहा है अंडा से पैदा हो, ये भी 21 लाख। चार खंड बराबर की बताई संतनन। तीसरा नंबर की है जरायु, जो जड़ से पैदा हो, जड़ से पैदा ये जितना झाड़ है
फिर ये फसल भी सब ओमत गिनती है, ये भी 21 लाख जीव जड़ से पैदा हुआ, ये भी जीव है, एमा भी जान छी, निर्जीव मत समझो। तीसरी खांड जरायु की और चौथी खांड उद्वेज की। उद्वेज काई का कह भाप का, जो भाप से पैदा हो, जो गर्मी से पैदा हो, जो पसीना से पैदा हो, लीक गोचड़ी जू खटमल आशा कहीं 21 लाख जीव छे, ये पसीना से पैदा हो। 4-5 दिन मत नहाओ जो वाला आपो आप लीक आई जाएगा, जून आई जाएगा माथा में, गोचड़ी पैदा हो जाएगा, खटमल पैदा हो जाएगा। पहला लोग ना का खाट नम भी हो जाता था, गोदड़ा नम भी हो जाता, पहला जमाना उसे। ये चार खांड है मेरे भाइयों, पर चार खांड का अंदर श्रेष्ठ पिंडज का बताई, ये पिंड से पैदा होने वाला मानव सब में बड़ा है। पहली डगरिया पिंडज की पाई, अरे मनुष्य बना पर भूल में पड़ा, केवल काई हुई वो भूल पड़ी गई, माया को पर्दो पड़ी वो, दूसरों कुछ नहीं हुई, भूल काई में हुई। और बाबा कहना है सब करो, संसार में सब करो, पर भूल मत करना, एक काम मत करना, कहा को तो भूल मत करना। याद है तो आबाद है, याद है तो आबाद है, ना भूलेगा तो बर्बाद है। भूल से काम कोई मत कर, जो पहले ध्यान कर, ध्यान धर जो कि ये काम हो करू रो ठीक छे कि नहीं, विचार कर जो, कर विचार अपने मन माई, दूसरा से विचार मत कर जो, अपना आप में। पिंड से पैदा होने वाला 21 लाख जीव, चार खांड बताई और 21 लाख, 21 चौक 84 लाख, 84 लाख ही होगी। मनुष्य भूल में पड़ी वो, जरा सी भूल हुई गई कि भगवान बाहर छे, वो ही बाहर देखना मर गई। और एक तुलसीदास बाबा ने लिखी दियो कि गो गोचर मन जहाँ तक जाई और तहाँ तक माया जानो भाई, ये जो गोचर दृष्टि जा रही है सब माया है, ये राम को पसारो आए, राम की माया है। और राम तो कह कि राम बठेल छे आत्म राम, एक राम घट घट में बोले, एक राम ये घट घट में बोले, एक राम दशरथ का घर डोले, एक राम का ये सकल फसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। वो संत ने चार राम बताया, वो राम का देखनु छे कि ये राम ओम मिलज कि नहीं, वो राम एम मिली जाए। आत्मा राम परमात्मा राम, संत महात्मा कहे इसी प्रकार मानो। और फिर वो खबाद में अंडज आई, वो दूसरी खान दूसरी डगरिया अंडज की पाई, वो में कहल छे कि चील उड़े आकाश पर मांस खाए सड़ा, सदगुरु की डगरिया में आनंद भरा। चील पक्षी ने देखियो कि इसी प्रकार परमात्मा की मंजिल तय होती है, हम भी स्वर्ग चली जाऊंगा, लंबी उड़ान भर ली। यत्रो बड़ो चील पर आप लोगों का माखा यत्रो देखा लोग आसो लगा कि गयो पोची गो, पर वो जातो तो जरूर पर दृष्टि के नीचे पड़ी गई। और जब दृष्टि नीचे पड़ी तो कहीं दिन को सड़ेल मांस दिखाए और वो वहां से वापस आई। संत महात्मा ना इस प्रकार से बाबा सिंघा जी ना कैसो लिखो, अरे चील उड़े आकाश मांस खाए रे सड़ा, सदगुरु की डगरिया में आनंद भरा, जातो तो पर दृष्टि वापस। इसी प्रकार उद्वेज की भी कही कि उद्वेज का अंदर गोचड़ी हुई, गोचड़ी गोचड़ी ने देखियो कि मनुष्य दूध भैंस का थान से तो निकालो है, अमृत वही तो आए, आपुन भी दूध पी लेवांगा। गोचड़ी थन में गई, थन में झूमी गई, पर वो न काई लव पियो वो का दूध नहीं मिलियो। दूध नहीं मिलियो क्योंकि कमी काई की रही तो ज्ञान की कमी रही।
नहीं तो दूध वहां तक तो चली गई, कोशिश करी वो नबी कि यहीं से तो अमृत क्या है, दूध दही शहद घी मिश्री, ये अमृत है मेरे भाइयों। देखा लिए संत महात्मा मानव का समझाज की 30 दोष से बचना है, 30 दोष से, और जो 30 दोष से बचेगा उनका ये झंडा प्रसाद बटीरा झंडा उड़ीरा, उनकी जय जय कार हुई रही, अपन कम से कम 30 नहीं तो 15 आधा से भी तो बचा, आधा में भी आधा, आधा में भी आधा, आधा में भी पुनियात कहीं तो बचा, जतरा अपन समझी रहा उतरा तो बचा। बाबा ना ये 30 दोष से बचे और दृढ़ता करी अपना आप में, उसको कहते हैं दृढ़ उपदेश। उपदेश है, ज्ञान है, पर पूर्ण विश्वास अपने आप में मजबूती की ना ये मेरा इष्ट है, मैं अपने इष्ट के प्रति मेरा प्राण दे सकता हूं, इतनी मजबूती। और इतनी मजबूती हुई जाए तो बाबा कह रहा कि फिर ओका कोई टाइम नहीं लगतो है उस मंजिल का पावना के लिए। बाबा दृढ़ उपदेश में लिखा कि नहीं कछु कुंजी नहीं कछु ताला, सहज में सहज भया उजाला, खुले कपाट जड़े थे वही आलम दुनिया दिखे भाई। नहीं कछु कुंजी नहीं कछु ताला, अरे कई ताड़ो लगेल नहीं है नो की चाबी नहीं है, खुले कपाट, ये कपाट लगा खोलो, खोल की वाड़ी माता माए देखा फूल वाड़ी, हरा दर्शन की बलिहारी, खोल की वाड़ी तो खोल। संतन कही तेरे अंदर का पट खोल रे जब तुझे पिया मिलेगा, ए भैया तेरा घूंघट का पट खोल रे जब तुझे पिया मिलेगा। चलो ठीक है, अभी परचन चालू छे, दर्शन कब होगा जब किवाड़ी खुलेगा। एक घड़ी वो भी माता माए हम, दुई घड़ी वो भी जबीनी खोल किवाड़ी, खोल किवाड़ी हम देखा फूलवाड़ी, तारा दर्शन की बलिहारी। एक घड़ी उभ्या दुई घड़ी उभ्या नहीं किवाड़ी खुलती तो घर चलिया नहीं, खोलना पड़ेगा, मर जाऊं तो मर जाऊं पर आज तेरे द्वार से वापस न जाऊं, इतनी दृढ़ता। एक दृढ़ उपदेश, संतों ने कहा यह दृढ़ उपदेश, और आसो नहीं संत ने कहा नहीं, सबके लिए दृढ़ता चाहिए, सभी भाई बहन ने कहा दृढ़ता होनो, भैया ने देख ले कि हाँ आप अपनो बेटो अपना बराबर को ही गो, अपना पाए को जोड़ो ओखा पाए माई गो, फिर विश्वास दृढ़ता कर ले कि नहीं आप वो जसो भी करो जसो संभालो ओखा मर्जी ओखा मन पर छोड़ दे, और वो कभी ओखा आग का सामने ओखा साथ सुप्रत काम कर दे तो ओखा पूर्ण विश्वास आई जाए कि नहीं मारो बेटो आप पूरा काम कर लेगा। अंदाज देखो एक बार का लाख रुपया ओखा हाथ में देो न कहू जा भैया इनका कले भी धर थारा हिसाब से बैंक मांग में कले भी धर दे, नहीं तो बच्चा ना कभी पूरा 1 लाख धरी ना विड्राल भरी हुआ ना 1 लाख धरी ना आपको रसीद लाई दी तो समझ लो कि आप तो अपनो सक्सेस होगा कर लेगा आप संभाल लेगा, न कभी दिया न वहां 1 लेगो ना 90 धरिया ना 10 गायब कर दिया तो फिर विचार कर जो कि क्या करना। आसोज माए बहन ना भी अपना पर भरोसो कर लेनो अपनी बहू पर अपनी बेटी पर, आसो नहीं हो कि बुढ़ापा तक कमर में चाबी ने बंधी जाए ना कुछ ही न निकल ही नहीं रही ना, जरा सा मेजवान आया बाई जरा चाबी दीजो
चाय बनेगा, फिर चाबी नदी। हमारे बाबा ने कहा सब ये बात मालूम छे, इन पर बीतेल छे। एक जगह जाता था वो बहन, बाबा आया, भाई बाबा आएगा जरा इनका दूध बनाई दे, चाबी दीजो, फिर वो चाबी दे, फिर शक्कर निकालो, फिर दूध गरम करीन, फिर बाबा न कह दे। अब थोड़ा दिन बाद वो भाई चलेगा, बाबा लोग कहीं चलेगा वहां पर, वो भाई आई पाए लगया, फिर भाई को हमारी माता राम चलेगा तो बहन वो गई चाबी ना, चाबी ली गई, कह के नहीं चाबी ना तो यहीं छे दादा, तो ऐसे चाबी छोड़ दीजो, ये मां कोई चाबी है नहीं, नहीं कछु कुंजी, नहीं कछु ताला, सहेज सहेज बया उजियाला, खुले कपाट जड़े थे वहीं, आलम दुनिया दिखत नाई, बिना सूर्य का बया उजाला और बिना सीप का मोती लाला, बिना सुर का उजाला, यमा इतनो विश्वास हुई जाए तो फिर परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, एम उजाड़ो। और बाबा ना अपना घंट में प्रकाश देखियो, घंट में प्रकाश, और जिन्ना अपना घर का अंदर प्रकाश देखी लियो, वो का मालूम हो जात कि कहा का कोना में जाड़ा लगेल छे, कले का कोना में कचरो पड़ियो, और फिर वो जरूर अपना घर का साफ कर देगा। जैसो घर का अंदर लाइट लगाना पर पूरा मालूम हो जाए कि कोना कोना पर उजाड़ो हुई रो, और माई बहन बराबर सामान का बराबर जमाव, झाड़ू बराबर लगाव, साफ सुफ घर का लिपि छापी न कर, जब लाइन चलेगी तो घर में कहीं नहीं दिखाते हो, अपना हाथ को धरेल सामान आप न करनी समझ पड़ते कि यहाँ थे कि यहाँ थे। ऐसा ये घर का अंदर भी प्रकाश हुई जाए तो फिर घर का अंदर मालूम हो जाए कि कहा की जगह दुगदिया बैठेल छे, कहा चिंता बैठेल छे, कहा की जगह हम आरू भी कई चीज न बैठेल छे, इनका कसो निकाल। बाबा कहे जागृत रहनु छे अपने ये संसार में, और संत जगाना कले आया, ये महान पुरुष न ये बाणी न रखी न गया, वेद शास्त्र ग्रंथ न का छोड़ी न गया, जागृत करना का लिए। राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई हरि का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जागृत रहना है, आवाज हुई रो लेओ लेओ, ये आवाज जहां वहां परचरी वाला पुराण वाला कथा वाला भागवत वाला सब यही जागरूकता की ओर ले जा रहा कि हे मेरे भाई बहनों, घर की वस्तु ही नहीं नजर आई रही, नहीं तो बाकी तो सब नजर आई रही, पूरा ब्रह्मांड देख रहो पर अपना अंदर को पिंडज का अंदर को नहीं देख रहो, और पिंडे सोई ब्रह्मांडे, और ब्रह्मांडे सोई पिंडे, ये पिंड का अंदर की वस्तु को संभालनू छे, यहां समझी ना, नहीं तो एक अंदर काम और क्रोध दो बल योद्धा बताया संत ननो। जागृत करना के लिए बाबा ने एक भजन गायो थो छोटो सो, कि निरा भय कैसो सोवरे मन तू, हन निरा भय कैसो सोवरे, निरा भय कैसो सोवरे मन तू, सुमरण से लाग। मेरे भाई बहनों उठो जागो,
नहीं तो ये सब संसार का बाबा नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखियो कि मोहनी सा सब सोवनहारा देखियो स्वामी काई काई बाबा तुलसीदास ना मोहन निशा निशा नाम रात्रि अपुन काई में सोयल छे मोह का अंदर और बाबा ने परचरी में लिखल छे कहते मोह को कहते भगनी भाई और कठिन करनी राम से सगाई अपुन काई में सोयल छे मोह का अंदर बाकी असा तो जागृत ही छे। हाँ यही बाबा सिंगा जी कह रहा कि उठ सुमरण से लाग रे मन तू कैसो निर्भय सोवरे काम क्रोध दुई आती बल जोधा एमा बीस का बीज बोवरे हे मारा मन तू कैसो निर्भय सोवरे। ये खेत का अंदर बीस का बीज बोवना कौन छे काम और क्रोध ये बीस का बीज बोवे। बाबा कह रहा अरे भटकत भरमत जन्म गमावो भटकत यहाँ गया वहां गया वहां गया वहां गया आशा में ये जन्म खत्म हो जाएगा समय खत्म हो जाएगा तू आई बाजू का क्यों खोवरे मन तू कैसो निर्भय सोवरे। ये बाजू मिलेल छे मोको मिलेल छे समय अवसर अभी अपना पास में छे और एक मत खोव। बाबा कह रहा आई अवसर मत खोवरे मन तू और कैसो निर्भय सोवरे। पांच तत्व की थारी ये काया बाबा कह रहा ये पांच तत्व की थारी काया एक तू जड़ा मूल से मत खोवरे मन तू कैसो निर्भय सो। जड़ा मूल को अर्थ कि तू एक जड़ से उखाड़ी न मत फेंको खुटड़ो रण दीजिए तो आरू पौधा फूटी आवेगा थोड़ो तीरद बरद ध्यान सुमरण कर लीजिए तो मोको आरू मनुष्य को मिल जाएगा न कभी जड़ से उखाड़ लियो तो मीठो गन्नो छे साठो मीठो छे पर जड़ सी मत खा। गन्ना का खांदा पर धरी ने भले ही फिरिया कर जो नौका कया कर जो हाथ घुमाया कर जो कि मगर रस मिली जाए मगर रस दे दे तो ओसो रस नहीं मिलना। आसो गुरु ज्ञान भी छे खांदा पली ने मत फिर जो नहीं तो रस नहीं मिलना को तो गन्ना का पीड़नू पड़ेगा। जब जूस निकलेगा एक भी थोड़ो पीड़नू पड़ेगा साधो थोड़ी कि आरे ओड़ा मुंह में पड़ा न खाने वाले का दिमाग घड़ा। एक भैयो गुलर का झाड़ का नीचे सोई वो नौका कहे हाउ तोड़ू नहीं करूं तू तो आई ना सीधो मारा मुंडा में पड़ा जब खाएंगा। एक न कही भैया तू छह महीना भी पड़ी रही से नहीं मुंडो खोली न पड़ी रह पढ़नू हो तो मुंडो खुल्लो राख फिर कहूं भी तो मुंडा में पड़ेगा। अब तो मुंडो बंद करी ना कभी सोई रहेगा झाड़ का नीचे तो नहीं मिलना। संत महात्मा हमारा बाबा लोग जब प्रसाद हाथ में दे मेरे भाई बहनों ध्यान देना प्रसाद कभी काई प्रसाद काई का कर शक्कर नहीं तो घी में आटो सेकी लियो तो प्रसाद बनी हो। हाँ पर घी में सेकई तो जाए। अरे थी शकर पर आरती में रखे गई और आरती में रखी गई तो फिर शकर नहीं कहता प्रसाद का जो अपन सब नर नारी मानो आए पर कभी अपन गुरु का पास आरती में रखे जावा तो फिर ये नाम शकर दूर हो जाएगा फिर प्रसाद बनी जावांगा। अपन को प्रसाद बनना है प्रसाद और प्रसाद को भी फिर ओखा ऊपर आरू जरा सो लक्ष्य छे कि प्रसाद का ऊपर भी और कभी कपूर जले जाए प्रसाद का ऊपर दीपक अगर लगी जाए उजाड़ो हुई जाए तो फिर वो महाप्रसाद हो। बोल गुरु महाराज।
हाँ, इसी प्रकार इसके ऊपर भी लाइट जलना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, और प्रकाश हो जाए तो ये महाप्रसाद बनी जाए। और प्रसाद का हाथ में लियो, लीता सी फक्को मारो, झटकी दियो, करे आधो खायो आधो फेंकी दियो, आशा करो कहीं प्रसाद का। प्रसाद हाथ में लियो, प्रसाद का मंत्र हो जो मंत्र, प्रसाद को मंत्र से खाया जाता है। जब मंत्र होता है, मंत्र करना हो तो फिर प्रसाद का मंत्र कहो कि राम कहे तो सुख होए और कृष्ण कहे तो दुख जाए। महिमा है ये महाप्रसाद की, तुम पाओ प्रेम लगाए। बोलिए गुरु महाराज की जय। ये मंच आए यहां तो जो याद आए कि खुली बात बताई जाए। प्रसाद का मंत्र तो यमा 99% लोग न का मालूम छे, पर चरणामृत का कोई का मालूम हो तो कोई बात नहीं। और यहां से चरणामृत का मंत्र भी खुला बोल दूंगा, कोई बात नहीं। प्रसाद खाना का बाद में हमारा महान पुरुष संत लोग प्रसाद आए वो का भलते ही कले पोछता नहीं है, पानी लेगा, पानी लेना ना वो पानी को पी जाएगा, फिर आंख में लगावेगा, फिर सिर पर। ये प्रसाद का नियम है, प्रसाद खाजो तो आशा खाजो, पर लोग ना भी आओ प्रसाद आसो लाओ के मुंडा में धरियो ना हा करी के आधो पच्छे उड़ी जाए, वो काई को प्रसाद कहे राजगीरा को। वो का फक्को मारन गया तो वो अपनी श्वास का माध्यम से आधो उड़ी जाए, पाए पाए नम सब दूर फेंकी जाए। हाथ में जल लीजो, जल चन्नामृत प्रसाद खाना का बाद में, और कही जो आगम सरोवर विमल जल पीवत हंस आघाय, अरे मन मगन कंचन काया तो पाप ताप मिट जाए। और फिर भी ये मंत्र चन्नामृत का है, बाबा ने कही कि ये चन्नामृत, ये महाप्रसाद कसो छे कोई संत न गायो थो। महाप्रसाद गुरु ज्ञान को हरे श्रद्धा करी लीजो, महाप्रसाद गुरु ज्ञान को श्रद्धा करी लीजो, महाप्रसाद गुरु ज्ञान को श्रद्धा करी लीजो, महाप्रसाद गुरु ज्ञान को श्रद्धा करी लीजो, महाप्रसाद गुरु ज्ञान गुरु ज्ञान को श्रद्धा करी लीजो, श्रद्धा से लीजो, भाव से लीजो, प्रेम से लीजो। वो मकाई होगा प्रेम प्राप्ति को लाभ है, वो का लेना सिखाई होगा तो प्रेम प्राप्ति को लाभ है। नया अवसर मत खोवो, महाप्रसाद गुरु ज्ञान, अरे अवसर मत खोवो महाप्रसाद गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान को श्रद्धा करी लीजो, एमा प्रेम प्राप्ति को लाभ है, पर अवसर मत खो। ये अवसर आए, अवसर मिलेल छे महाप्रसाद की प्राप्ति जरूर कर जो। महा यहां को नहीं, महा यहां को नहीं, यहां नहीं तो वहां मत समझ। बाबा कहरा पर वो प्रसाद कसो बण्यो, तो कह कि निर्मल चौको लगाव जो, अरे सरवण चूलो रे जमावो, निर्मल चौको लगाव जो, सरवण चूलो रे जमावो, सरवण चूलो रे जमावो, निर्मल चौको लगाव जो, अरे ज्ञानी आगन जलावो, महाप्रसाद गुरु
मेरी बहनों, हे मेरी माताओं, कोई भी आवो काम पहले भी करता था पर आओ किची नहीं गा, नहीं तो पहला चंदन घोड़े करता था, गोबर लेता था, पहला से निर्मल चौको लगाओ जो, एम भी निर्मल चौको, निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ये चौको निर्मल होगा और श्रवण चूलो जमा जो, चूलो काको श्रवण नाम कान, मोह को बर्तन मोड़ जो, जो ये मारो ये थारो ये मारो वो ओखो ये मोह जो लगे नी, एक धीरे धीरे कम करता चल जो, एक दिन कोई को कोई नहीं है, ना माय को बेटो साथ दी तो और ना माय बेटा को साथ देती है, ना अंतिम समय में कोई कोई को कोई नहीं होतो है, एक दिन वो समय आवे जब अकेलो आयो तो अकेले जाना को समय आवे, वो समय का ध्यान दीजो और अभी से धीरे धीरे करता वो के संगत कर जो कि जो अपना अंत में साथ में जाए, जो अपनी सानिध्य में अंत तक अंत श्वास तक साथ में रह, वो चीज की हासिल करनी चाहिए अपने। गुरु महाराज कह रहा निर्मल चौको लगाओ जो, श्रवण चूलो रे जमाओ और मोह का बर्तन मोड़ जो और ज्ञान की अग्नि जलाओ, फिर महाप्रसाद गुरु ज्ञान को, प्रेम का आटा कसे कजो, काय कर जो ओम सत को घ्यू रे तपाओ, प्रेम का आटा कसे कजो, सत का घ्यू का तपाओ, फिर काय होएगा बाबा कह रहा, वो मां धीरा सी बीच में वो जड़ा नहीं, वो खराब नहीं होए, वो मां बटी ना धीरा सी सुमरण का सरिया का फिरा जो, ये मां सुमरण सरियो रे फिराओ, फिर महाप्रसाद गुरु ज्ञान को, सुमरण को सरियो चला जो, संत महात्मा ने बताएगा कि सुमरण करना होगा, दया को पानी नाग जो, प्रेम मिठास मिलावो, त्याग की थाली से ढाक जो, वो मैं सत्संग तुलसी रे मिलावो, फिर महाप्रसाद गुरु ज्ञान को, दया को पानी, दया है, दया को पानी नाग जो, प्रेम की मिठास मिलाओ जो और त्याग की ठाड़ी से ढाक जो, ये जीवन को त्याग त्याग कर जो, धीरे 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 धीरे, नहीं तो कई लोग लूला लंगड़ा होगा, त्याग नहीं करियो तो, नहीं मैंने तो प्रण किया है कि मैं जब तक मेरी श्वास है जब तक मैं ओंकार जी जाऊंगा, कई रास्ता में एक्सीडेंट होगा, पाय मुड़ेगा, प्रण टूटेगा, अरे टोंगड़िया वसाज बुढ़ापा में दुखन लग गया तो फिर परण टूटेगा कि, त्याग करो, एक बार नहाया अनेक बार नहाया। हाँ आदरणीय हमारे सदाशिव बाबा के सुपुत्र जीवनदास भैया भी हमारे बीच में पधारे हैं, बोल गुरु महाराज की जय। हमारे परचरी वक्ता भैया जीवनदास बाबा पोखरवाला का सुपुत्रा है और वो भी आज हमारा बीच में आया, बड़ा सौभाग्य की बात, एक बार महाराज तरफ से और ताली बजाओ बाबा की, बोल गुरु महाराज की, और बाबा आसन विराजमान कर, और साथ तो साथ हमारा बोरगांव से कैलाश भाई भी आया तो वो भी बाबा से पीछे तक थे, वो भी बाबा का पीछे, और कहीं तो बाबा जी तो आप भी मंच पर आइए। संत सिंगाजी बाबा दृढ़ उपदेश में कह रहा कि माटी के भीत पांडु का पोता, अरे परदेसी जीव का नाना, कहा था जीव वो कहा से आया, पिछला भेद वो का को
કોઈ નહીં પાયા बाटी की भीत पांडु का पोता और परदेसी जीव कहाँ का नाता कहाँ था जीव कहाँ से आया और पिछला भेद कोई न निपाया एक ब्रह्म जीव कैसे गवाया और बस्ती छोड़ जंगल में आया एक ब्रह्म को ये फिर जीव कसो गवायो बस्ती छोड़ जंगल में आयो पांच तत्व तीन गुण से बंधाया और मन तरसना से जीव गवाया बाबा कह रहा पांच तत्व तीन गुण में बंधाया और मन तरसना से ये जीव गवाया ब्रह्म शब्द माने नहीं कोई मरना भला जीवन न हुई घट घट साच रुगावण जाई तामे सब रहो लव लाई मेरे भाइयों हर घट के अंदर हर मठ के अंदर हर प्राणी के अंदर ये बाबा दृढ़ उपदेश कर डाल रहा कि हर प्राणी के अंदर सत्यता सत्य पर सत्यता आना चाहिए जब तक सत्यता नहीं आव धीरजवान धीरज नहीं धरा तो ओखा आसपास धीरजवान कभी धीरज धरे तो जेके आसपास साई फिरे धीरजवान नर इस प्रकार से धीरज धरी न राख तो ओखा आसपास फिर साई फिरे ओखो काम भगवान ओखो स्वयं काम करज परमात्मा ओखो काम स्वयं करज आपण ओखा नाम पर लगी न रहो जरूर वो अपना काम करतो रहेगा और करी रहो पर कभी आपण अपना ज काम में लगी न रहा तो फिर ओखो कोई भरोसा नहीं वो ओखा धाम पर भी रह सके लोग कहने कि भैया तू थारा काम पर रहेगा तो वो ओखी धाम पर रहेगा न तू ओखा नाम पर रहेगा तो वो थारा काम में रहेगा संत न को काम और आप सभी न को काम परमात्मा कर रहो अपनो सबको काम भगवान स्वयं कर रहा ये यहां बैठा तो अपनो काम बिगड़ी जाएगा भरोसा छे जब तो सब यहां आया इस प्रकार से दृढ़ उपदेश भरोसो पक्को विश्वास पर साई सेवक दोई कवावे और जब तक ये जीव मुक्ति ना पावे हाँ कि ये तो बड़ा है ये छोटा है ये गुरु आए नहीं ये चेलो आए नहीं गुरु चेला को भाव भी मिटी जानू चाहिए हेमा गुरु चेला को भाव भी नहीं सम भाव साई सेवक एक ही कवावे बाबा कह रहा मेरे भाई बहनों एकता पुनर अपने आप में दृढ़ता आसी बात साची कही जानी और जैसी नदी दरियाओं को जानो पानी ऐसी बात संत नन साची कही जानी जानी न कही जैसो दरियाओ नदी को जानो पानी दरियाओं को पानी भी वही आए और नदी को पानी भी वही आए पर वो जब सब इकट्ठा हुई जाए सब इकट्ठा हुई जाए तो दरियाओ बनी सकत कि वो छोटी नदी ये बड़ी नदी ये कुआ आए ये पंप आए नहीं पानी सब कुछ पानी पानी आए इस प्रकार से सबको भाव एक बन जाए सबका अंदर एक भाव प्रकट हो जाए कि नहीं जो है सो परमात्मा है मारो कहीं नहीं है ये सब थारो आए न कभी कहेगा कि नहीं ये मारो आए तो ये गलत है ये
जैसो एक शहर सिटी का अंदर कोई व्यक्ति मकान का किराया सिरज और किराया का मकान का कभी वो आपड़ो समझी लेते वो गलत छे, वो सोच बहुत गलत छे, समझो कि वो नहीं हो, तू भाड़ा सी रही रहो, तू महीनों दी रहो को, तू वो साल भर का ले रही रहो कि तू चार साल का ले रही रहो, तू ये मत समझा कि मारो आए, ये गलत है, ये आपड़ो सोच गलत छी। बाबा कह रहा कि ये मकान आपड़ो केतरा दिन को छे, राष्ट्र संत तुकड़दास बाबा ने कही थी इसका विषय पर, अरे मन्या मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा पूरा नहीं आता हो न, ओतरो समय भी नहीं है ना, बटनिया कैसे का ये नाम लगे दिया टिंटिन टिंटिन, तो ये ना मालूम कहो बंद कर, एकाली हमारा पास भी समय नहीं ज्यादा है। बाबा कह रहा ये भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, इसका मालिक एक दिन तुझे बाहर निकाले, क्यों किरायो नहीं देना का तो नहीं निकालना कहीं, अरे भाड़ा का मकान वालों मालिक जब किरायो अपन साल भर तक होगा पागल बने सका कि अगले महीने में देऊंगा, अगले कोठे में देऊंगा, अगले न देना चाहनी तो फिर काई करेगा वो आखिरी मां,
बाहर निकाल देगा, सामान बाहर फेंकी देगा। बाहर एक ही क्वार्टर को तू क्या संभाले, और इसका मालिक एक दिन तुझे बाहर निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, और कुटी को खाली करना पड़ेगा। जब किरायो नहीं भरतो है तो उन्हें केस डायर कर दियो, जाए ना चौकी मां रिपोर्ट लिखाड़ दी कि भैया वो फलाणो भैयो छे मने ओका भाड़ा से मकान दियो, तुम्हारा भाड़ा पर कब्जो कर लियो, देख मारी रजिस्टरी छे मारो मकान है। देखियो पुलिस ने ना, हाँ ठीक बात है, नोटिस भेज दी। आएगी नोटिस तो एक नोटिस आवे, एक वारंट आवे, एक फिर सरस वारंट आवे कि जहां भी मिले पकड़ के लाओ। पहली तो नोटिस अपने ना मार दी, कोई बात नहीं है, हो जाए काई कर से अपन केस लड़ी लीसा, हिम्मत करी ना ना नोटिस को वापस कर दी, गया ही नहीं है कोई नहीं हुई। फिर वारंट निकल गो, दे दूंगा 10-20-50 हजार पर, नहीं डरना मेरे पार्टी वाले से, यहां से फोन लगा वहां से फोन लगा लगाई दियो, पर जब सर से वारंट निकलो कि जहां पे मिले मुलजिम वहां से पकड़ के लाओ। फिर आएगी नोटिस तो जमानत ना होगी, और उस दिन तेरे पल्लों में कुछ अमानत ना होगी। अरे जंगल में खेत में पकड़ लियो तो वहां कहां थारे पास 1-2 लाख खींचा ना, मुझे वहां ही पकड़े ना सीधो, फिर घर थोड़ी लावेगा, नहीं मेरे को घर ले चलो, फिर थोड़ी घर ले जा। बन करके कैदी तुझे चलना पड़ेगा, और काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। बांधी ना ले जा, जो भी सादा नहीं ले जाता है हाथ कड़ी, बड़ा बड़ा लोग लगा हाथ कड़ी लगा दे, वो कह के इधर के गली से ले चलो यार जरा। पर वो पुलिस भी आशा छे, हमारा उधर एक पटेल तो खारी को रमेश पटेल डीलर, और गांव को पुलिस पटेल, पर वो कहा जब यूरिया घोटाला में पकड़ में आयो तो धारनी का 3 किलोमीटर शहर में खुला हाथ बांधी ना बीच गली में सी लेगा। बहुत कोशिश करी पैसा बांधना नहीं, गली में सी लेगा बीच रोड सी, की सब दुनिया ने देखनी चाहिए और वो कहा शर्म पैदा होनी चाहिए, शर्मिंदा करो। बन कर कह दी तुझे चलना पड़ेगा, और काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जब तुम यम की अदालत चढ़ोगे, वहां पूछेगा हकीम तो क्या तुम कहोगे। जब यहां से जज का पास में पेश करेगा, फिर पूछोगा परमात्मा पास जावांगा, फिर वो पूछेगा बोल काई का लेने गयो थो, फिर कहेगा कहे कि नहीं नहीं हाँ खेती करने गए थे, हाँ भैंस ने चराना के लेने गए थे। बोल गर्भ में करार किया था याद है कि ना, याद हो गर्भ का इकरार, तूने गर्भ में काई करार करे थे कि हाँ थारा भजन करूंगा। आप भजन करे लो है तो थोड़ो बहुत कही सका, हाँ परमात्मा थारा भजन करने गए थो, पर जरा थोड़ी सी गलती हुई गई कि 2 हाथ में लड्डू था, एक तरफ गृहस्थी थी एक तरफ तुम्हारो भजन, तो अब आले भी देख लो ना, आले भी देख लो, थोड़ी कमी रह गई, वहां कुछ बोली सका। अब जब कुछ करियो ही नहीं है तो फिर ओका सामने काई बयान करी सका, फिर तो मुंडी डालनी पड़ेगा, नहीं नीचे मुंडी कर देवांगा, फिर कुछ नहीं बोली सकता। बाबा कह रहा जब तुम यम की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हकीम तो क्या तुम कहोगे। फिर जन्म जन्म जेल में उम्र कैद में डाल दियो, बन करके जेली तुझे रहना पड़ेगा, और काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। फिर वो मनुष्य बनावच का ही ध्यान दीजो, जेल में डाल दियो 84 लाख एवणी में, कि तू का मना मौको दियो तो फिर काम क्यों नहीं करिया, फिर तो जा उमर जेल 84 लाख एवणी में फिर भटको। महान पुरुष राष्ट्रीय संत तुकड़ू बाबा कह रहा है गुरु की ना माने
यम लेगा मनाई। टुकड़ू दास कहे तुम समझो मेरे भाई, यम गुरु की ना माने, गुरु की ना माने तो यम लेगा मनाई। टुकड़ू दास कहे तुम समझो मेरे भाई, फिर पाप की अग्नि में जलना पड़ेगा और काया पुट्टी को खाली करना पड़ेगा। हे मेरे भाई बहनों, ये जितना भी परोपकारी हुआ, जितना भी चिल्लाई रहा जगह जगह, जहां भी जाजो वहां से अपना क्रिया न सुधारना कली। ज्ञान तो सबका भरपूर छे, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, मात्र अपनी क्रिया न का सुधारनु छे, अपना कर्म न का सुधारनु छे कि कर्म कैसा करना, शुरुआत उठना से लेना तो वापस सोना तक की, जन्म से मृत्यु तक की क्रिया सीखना है अपन को। और सदगुरु का ही बताओ है? सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय। हेलो, तैतीस कोटि देवता सिद्ध चौरासी से पूछे जाए, हाथी सरीका खाई गया पर खाकस खाई नहीं जाए। सिद्ध 33 कोटि देवता, सिद्ध 33 कोटि देवता 84 से पूछे जाए, अरे हाथी सरीका खाई गया पर खाकस खाई ना जाए। सादी भाषा में बाबा ने कहे कि भैया बड़ा बड़ा तू ना भक्षण कर लिया रे, पर एक जरा सी चिमटी भर राख नहीं खाई जाती, खाकस नाम राख। राख अब थोड़ी सी भाषा ना तो संत न की आए और बाणी बड़ी आठपटी रहे, हाथी सरीका खाएगा पर खाकस खाई ना जाए। शरीर हाथी का समान, ये हाथी शरीर को शरीर थी, एक दिन एक काल खाई जाएगा, एक ग्रस्त कर लेगा, पर यमा जो एक राख सरी को छी, जरा सी राख, चिमटी भर राख, वो थोड़ी खाई जाए, वो अजर छे, अमर छे। बाबा कह रहा, देखने में हर्ष लाके, देखत में हर्ष लागे बोले तो मोन, देखने में हर्ष लगे और बोलने में मोन। देखने में हर्ष लागे बोलने में मोन, पकड़े तो हाथ नहीं आवे और ऐसा पंछी कौन। पकड़ा तो हाथ नहीं आवे वो ऐसा पंछी कौन, वो पंछी की, वो पंछी को पतो लेनु छे, वो पंछी यहां को नहीं हो, अलग नहीं है। बाबा ने लिखेल छे बाणी में कि नर नारी का एक ही बाप, फिर दाम क्यों लावा पाप। नर नारी को सब बनाना वालों, सबका परमात्मा एक है, साईं बाबा कह रहे सबका मालिक एक,
सबई नको भी और ये पूरा शरीर को भी एक छे जरा सो वो खा ध्यान दीजो सबका मालिक एक पाप पुन बंधन दोई अंतकाल तेरा नहीं होई पाप पुन ये बंधन दोई ये मत समझ लो कि हम बहुत बड़ो पुण्य कर रो तो हम पुण्य भी वही आए बंधन नहीं आए पर हाँ फर्क यत्र होगा कि पाप को लोहा की बेड़ी लगेगा और पुण्य को सोना की बेड़ी लगेगा पर बेड़ी दो ही है बेड़ी दो ही आए पाप पुण्य बंधन दो ही अंतकाल तेरा ना हुई कहा का बाप कहा की माई और परदेसी जीव कहा की सगाई बाबा कह रहा कहा का पिता और कहा की माई अरे परदेसी जीव कहा की सगाई ये जीव परदेसी आ यहां को नहीं हो बाबा ना बाणी में लिखियो कि हम परदेसी पावना दो दिन का में जवाना हम परदेसी है पावना दो दिन में मिजवान आयल छे मिजवानी अच्छी कर जो मिजवान की अच्छी खातिरदानी कर जो और एक दिन तो जानू पड़ेगा मिजवान आयोश तो जाएगा हम परदेसी पावना दो दिन का मिजवाना एक दिन आवना को और एक दिन जाना को बस बीच में छे जरा थोड़ो सो समय उतरा में नहीं तो याद दो ही दिन की छे एक जन्म और मरण नहीं तो हेर कर जो अपना आजा बाबा ने कहा कहो याद करा जन्म का दिन नहीं तो मरण का दिन कहीं का पुण्य तिथि मनावे आवा का लोग बर्थडे मनावे पुण्य तिथि हाँ फलाने टाइम पर कर लेना चाहिए तो बाबा कह रहा हम परदेसी पावना दो दिन का मिजवाना आखिर अंत का चलना और निर्गुण घर जाना तो बाबा नांद से बिंद जमाइया जैसा कुंभ है काचा और काचा कुंभ में जल ना रहे एक दिन होएगा बिना सा हम परदेसी पावना है मेरे भाइयों नांद और बिंद ये बिंद के अंदर नांद की जरूरत है ये बिंद रूपी मटका का अंदर एमन नांद रूपी शब्द की जरूरत है और वो उम हुई जाए नहीं तो ये कुंभ काचा है कच्चा मटका में जल नहीं रही तो है पर बाबा कहे कि कच्चो भी अच्छो अरे पक्को हुई गो न कभी फूटी जाए नहीं तो वो टुकड़ा माटी में नहीं मिलता ओसा का ओसा पड़ी रह कई साल तक कच्चो मटको अगर फूटी जाए तो डबल सी होकर ठोकी पीटी ना माटी में माटी में ले पर पक्को हुई ना अगर फूट गले को नहीं रही तो है ऊंचा झाड़ सुड़ई का चढ़ना फिर वो तो पढ़त यहाँ को निवा को गुरु गम को मारग बाको ये मारग बहुत बाको भी छे ना बहुत आसान भी छे लियो जरूर पर वो फिर की विधि विधान से अगर कार्य करांगा नियम संयम से अगर रहवांगा नहीं तो ये मकैल छे टोटक नाटक करने का भी दोष है जितनी विधि विधान से रहवांगा जितना नियम संयम से रहवांगा जब ही कोई थोड़ा बहुत पास हुई सका नहीं तो ये एक दिन हुई जाएगा रे बिनासा हम परदेसी है पावना ये परदेसी पावनो बताओ संत कैराज की किन से हसूरे किन से रुसू
या किनखा से हसणु न किनखा से रूठणु, किनके रहो पासा, आया है तो जाएगा, तू क्यों हो निराशा। किनखा से हसणु, कब हसणु, कब रूठणु, नहीं संतन न कहेल छे, अरे मुश्किल में मुस्काना, ए मुसाफिर तू मुश्किल में मुस्काना। सुख मिलियो जवा तो बड़ा आनंद मचे, न तकलीफ आई जाए तो होती भगवान तू ना अच्छो नहीं करियो, करे भगवान ने अच्छो करियो कि तू ने अच्छो करियो। कई लोग ऐसा, एक भाई हमारे गांव में आदिवासी भाषा बोलूंगा, मैं करो सीडू नुएन डू गोयन एक्सीडेंट गोयन मका डीजा आंटे जाम लक्केन बाटे जाम लक्केन डाई जाम लक्केन लो जाम लक्केन मका टूपी टे मांडी बा ये ए भगवान हमने अच्छा डाडून जा यहाँ कौन के हम सिन्ने ने ए भगवान यहाँ कौन के हम सावे ने। समझ माई, आदिवासी भाषा है वो, आदिवासी भाषा में वो को जब लड़का को एक्सीडेंट हुयो और मरी गो, माए बाप रोई रहा, वो भगवान तू ना अच्छो नहीं करियो, हमारे साथ में हमारो एक छोरो थो तूने वो भी छोड़ ही लियो, दूसरा न देखियो, हम लोग ने विचार करियो, करे वो दारू पीने मरी गो तो और भगवान का दोष दीरा कि तू ना अच्छो नहीं करियो कि वो ना अच्छो नहीं करियो। कभी दारू नहीं पीने जाते तो कहीं आंसू होते कहीं नशा मा मेरे भाइयों, और नशो एक दारू को मत समझो, कई प्रकार को नशो जी, और नशा नाश की जड़, जिसको नशा हुआ जिसको नशा आया वो नाश हो गया, पर नशो एक आंसू कर दियो, एक नशो छे ओ मा भंग पिलाई हरी नाम की गुरु ज्ञान की, हरी नाम की भंग अगर पीले गुरु ज्ञान की भंग पीले तो फिर होकर रंग लग जाए, और रंग लगा तो इस प्रकार से सत्संग हो जाए, और सत्संग होगा तो सत का जानी लेगा तो वो फिर सत्य पुरुष परमात्मा स्वयं हो जाएगा। ये रंग लगना चाहिए मेरे भाइयों, सत्संग का रंग लगना चाहिए। अरे वो चीज का काई तू पेज, अरे सुबह की पेल शाम में उतरी जाएगा, सुबह की पेल शाम में उतरी जाएगा, अरे तू आसो राम नाम को घुट को ली ला कि थारी जिंदगी सुधरी जाएगा, थारी जिंदगी सुधरी जाएगा, और अपने का केवल जिंदगी सुधारनु छे, बस जिंदगी सुधारना के लिए अपनो जीवन सफल करना के लिए सत्य मार्ग का ढूंढी रहा, सत्य मार्ग कहाँ मिलता है, और ये सत्य मार्ग इसी प्रकार कार्य न मिले वाणी का माध्यम से, ये मानो कहीं भटका नहीं दूर नहीं भागा, एका लेना संतन ने एक रोकना के लिए बनाया है। एक भजन में बाबा ने कहल छे कि चार वेद चौफंदा रोप्या, अरे चार वेद चौफंदा रोप्या, बस दुनिया ये मा गैरे फंदाणी, धन गुरु ज्ञानी जिन तत्व वस्तु का पहचानी, और कभी एमसी भी बाहर भागेगा फंदा मसी भी तो फिर काई कर सके। कजली जबन को सिंग बनी गो मन भौत करियो रे हाको, ये कजली बन को सिंग बनी गो मन भौत करियो रे हाको, ज्ञान गोड़ सी बहुत मारियो एक रोम नहीं हुयो हुआ को रे, देखो जी मैंने ये कठिन काम मनवा को, देखो मैंने कठिन काम मनवा को, कजली बन को सिंह बनी को, सिंह नाम शेर, ये काला बन को, ये जंगल को शेर बनी गो, बहुत हाको करियो आलेसी कथा को कीर्तन को भजन को सुमरण को, बहुत हाको करियो और ज्ञान गोड़ सी मारियो, पर वो को रोम नहीं हुयो वाको। एक आधा बाल का तो सड़ आई जाती, तो बाबा कह रहा कि मेरे भाई बहनों समय का ध्यान, और अपन ना कभी आप समय को ध्यान देनु छे, और समय समीप आयु, अब हम भी बाबा की वाणी को दंडवत प्रणाम कराज,
हाथ जोड़ी ने प्रणाम करा कि बाबा आपकी वाणी तो अभी बहुत ज्यादा रह गई और समय खत्म हुई, आपकी वाणी ये छोटा मुख से बड़ी बात काई करी सका है। पर ये वाणी को खेमदास बाबा ने लिखी और खेमदास बाबा ने लिखी तो किस प्रकार से कही, अरे सर अवसर जानू नहीं सदगुरु संत सदा साई, मैं मूर्ख कछु नहीं पायो शुद्धि अंध मार्ग भुलायो, सदगुरु स्वामी कृपा करी ज्ञान लाखड़ी हाथ में दिनी, बाह पकड़ पंत बथायो सगन बन मह चलायो, बहुर बहुर ऐसी भुलाई और बोले मती भुलाई, सदा गज मोहे लायो बंद चौरासी से मोहे छुड़ायो, मेरे मन में तो ऐसी आवे सदगुरु बिना सब जीव को आवे। इति प्रचार समाप्त संत 1748 जानी सदगुरु बोलिया निर्मल वाणी, 1748 जानी और सदगुरु बोलिया निर्मल वाणी। एक भजन बोलो, यहाँ से आदेश आयो कि और थोड़ो सो समय छे भोजन का, और भोजन भजन खत्म हुआ तो भोजन होनु, न भोजन नहीं हुआ तो भजन होनु। तो अभी मगर दो या तीन एक पन्ना पाठ करनु छे मेन जगह का, तो हमारा भाई एक भजन बोलेगा और अब तक मारो थोड़ो सो हूँ पाठ कर लो। हेलो गुरु महाराज की जय, मत जोर बोला परे वाट जवानी मराम भजो, हरी न भजो, हरी न भजो रे,
મારો હાથ પયારો
गोड़ा पोथारो जीर मा पयायो सदगुरु महाराज की जय। मेरे संतजनों भाइयों बहनों संत सिंगाजी बाबा सबका ये समझाव सबका उपदेश दे उपदेश कसो कि मेरे भाई बहनों आप उपनाम अच्छी जगह और वो देश उप देश उप का मतलब होता है अच्छी जगह। लोग माई बहन कह ना कि आज मारो उपास छे उपास उप अच्छी जगह पर वास। बाबा कह रहा वो देश को जाना है। बाबा को देश कहां को छे तो बाबा एम लिखज कि मेरा देश क्रिया नहीं कारी मेरा देश पुरुषा नहीं नारी। मेरा देश वो देश की कही राज मेरा देश क्रिया नहीं कारी और मेरा देश पुरुषा नहीं नारी। वो देश में कोई क्रिया करनु पड़तो नहीं और कोई पुरुष ही नहीं और कोई नारी नहीं है। वो देश आसोचे कसो उपदेश कर वो देश। बाबा वो देश में गया फिर यहाँ पर वो हम मरे सो हम मरे अजपा भी मर जाए शब्द विवेक की ना मरे फिर वो उलट काल को खाए। ये सब यहाँ ही तक पहुंचे हद छे ये त्रिकुटी आए ये त्रिकुटी से फाटा पड़ते बस यहाँ तक जम की सेल बाबा जी हरि नमो नारायण लीजो। यहाँ तक को यहाँ तक जीव रहेगा जब तक जम पकड़ लेगा यहाँ तक जम वापस खींची लेगा और फिर यहाँ से ऊपर का देश जहाँ सिंगाजी गया वो कैराज वो देश में मेरे देश क्रिया नहीं कारी वहां कोई क्रिया नहीं कर मेरा देश पुरुषा नहीं नारी वहां पुरुष ही नहीं कोई नारी नहीं है। मेरे देश श्वास न उसास वहां ना श्वास ही ना उसास ही वो देश की महिमा वो देश में अपने कभी जानू छे। बाबा कैराज कि मेरे देश में श्वास ना उसास और यहां श्वास का भजन करना की कही हाँ श्वास ही श्वास से भजन करते करते एक एक पैड़ी आगे बढ़ता बढ़ता वो देश में जा सका। मेरे देश बेटा नहीं बेटी वो देश में कोई बेटा है नहीं बेटा है बेटी है। मेरे देश पूजा नहीं पाती वो देश में ना पूजा करनु पड़तो नहीं पाती तोड़नु पड़तो। बाबा ने अपना देश की महिमा बताई और वो देश में मीराबाई ने भी कहे थे कि आसो अमर देश भारो आसो छे देश वो देश की। बाबा ने कही वो घर की कोई ना बतावे जा घर से जीव आया वो घर
बाबा को इस प्रकार से आपनो देश छे कुकर नहीं कागा बकरी नहीं बागा सूरज नहीं चंदा वहां कुछ नहीं है वो देश में फिर अमर देश थे बाबा ने अपने देश की महिमा बताई और देश का उन्होंने कही कि वो देश में जाना के लिए बदमाश बदमाश एक शरीर का रहना पड़ेगा बदमाश यानी 12 मास हर महीना हर समय हर घड़ी हर दिन हर पल एक समान आप उनका आशा रहे आज तो घटती चली जा रही शरीर को नहीं आपकी सुरती आपका निश्चय आपका विश्वास आपकी रहनी एक समान 12 महीना बदमाश सादी भाषा माले बदमाश की गिनती भाई का हाँ बदमाश भी होगा कि 12 महीना होगा कहीं पानी पड़ियो ठंड पड़ियो घाम पड़ियो पर वो का कहीं असर नहीं आयो वो काम छोड़तो नहीं सिंगाजी बाबा भी वो कह रहा 12 महीना की वर्णन बताओ तो किस प्रकार से वर्णन करो वो अरे सोहम नमा भजरे मना जय जय नमः ओम सोहम नमः सोहम नमः भजरे मना जय जय नमः ओम सोहम नमः इस प्रकार से भजना पड़ेगा 12 महीना को विजय करना होगा तो हमेशा अपना मन का कहना पड़ेगा कि भैया सोहम नमा भजरे मना जय जय नमा ओम सोहम नमा नमन करते हुए रमन करते हुए फागुण फरकत होर होर होनी छोड़ी आण होनी गोरे जीवन जी का कर ले ठिकाना फिर हाथ छोड़ी बे हद पर जाना रे फागुन में फागुन फा गुण अरे गुण कपा होनी छोड़ी अनहोनी को कहो ये तो होनी होनु छे जन्म मृत्यु ये तो होनी आए पर अनहोनी का कहो और हद छोड़ यहां तक कि हद छे हद छोड़ कि हद छोड़ी न बे हद का जाना रे सोहम नमा भजरे मना जय जय नमा ओम सोहम नमा फागुन का बात में कई आवाज चैत में चिंता भर रहो रे चैत में चिंता भर रहो रे उठई आसमान तुम नीचा धरो रे करण पाव रूप नहीं रेखा और आते जाते वो न सब जुग देखा रे करण पाव चैत में चिंता चैत चैत में हमारा भाई लोग आले का लोग चैत कज गहूं चना काटना बांधना का भोना का लोग काई कज चैत चल रहा अभी चैत हमारो हाँ तो आपनो भी चैत करी लीजो वो चैत करी ना अपनी तैयारी कर लिया 12 महीना को साधन बनाई रहा आप कभी चैत और कभी चेत में अपनो साधन नहीं करियो चेत में चिंता भर रहो उठे आसमान नीचा धरो आसो मानो करण पाव जखा रूप ने रेखा परमात्मा को कहीं हाथ है नहीं पाव है नहीं रूप है नहीं रेखा है
पर आते जाते सब जुग देखा रे। ये सब जुग को देखना है, युक्ति सब देखना है, एक एक युक्ति को। वैश्याक वस्तु का भम खोजो, वैश्याक जो मैं थारी साग बनी जाए, जो मां थारी साग बनी जाए, ओके कैराज बाबा। वैश्याक वस्तु का भम खोजो, पाच पशी को संग करी बोदो, उड़ता पंची का खोज बतावे, वो नर मरे निजीवे जैसा का तैसा रे। उड़ता पंची की खोज बता जो, उड़ता पंची की खोज कर जो, ये मसी उड़ना वालो पंची। पंची बैंड गावन न आज मारा प्राया पंची पोपट किनारे बिलमायो। ये प्रायो पंची आय पोपट आय एक कूड़ा बिलमाई लियो। ये प्रायो पोपट पंची आय एक कोई बिलमाई सकी, कोई कोई ना बिलमायो, महान पुरुष ना। उड़ता पंची की खोज बतावे, वो नर मरे नी जीवे जैसा का तैसा रे। सोहम नमा भजरे मना, जय जय नमा ओम सोहम नमा। जेठ जगमा बया उजाला, जेठ जेठ जग में बया उजाला, नक सिकरो मम बया उजाला रे। अंधा कह मैं चढ़ू आकाशा, और वहां है सिद्धो का वासा रे। अंधा कह मैं चढ़ू आकाशा, जो अपनी ये गोचर दृष्टि का बंद कर ले, आगोचर दृष्टि खोल ले, वो आकाश का देखी सके। ये आंख से थोड़ी देखाएगा, नहीं ये आंख से तो बहुत कठिन छे, बहुत मुश्किल छे, तपस्या में मिला जी आंख में। और अंदर की आंख बंद करते हुए, अंदर की आग गुरु अंदर अंदर लक्ष्य बताई दे तो तत्काल परमात्मा का दर्शन हो। भार की आग के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगा, कहीं धुनी रमानू पड़ेगा, कहीं भूखो मरनू पड़ेगा, कहीं उल्टा टंगानू पड़ेगा, कहीं जप तप करनू पड़ेगा, तही कहीं साक्षात रूप में दर्शन दी सके। पर इधर ये आंख बंद करी ना गुरु महाराज अंदर का आंख खुलावज, और कभी अंदर का आंख खुली जाए तो समय नहीं लगता दर्शन में। आषाढ़ वस्तु को आप में खोजो, निर्गुण हंडी को चौक में पटको। आसार जिसमें कोई सार नहीं है वो वस्तु को छोड़ो, निर्गुण हंडी को चौक में पटको, ये निर्गुणी हंडी आए। सिरगुणी निर्गुण और सिरगुण को तो भेद थी, पर बाबा कह रहा कि नहीं एक अलग मत समझो, निर्गुण क्या है सिरगुण क्या है अलग नहीं है। जैसा पानी और पानी का बुलबुला, पानी में बुलबुलो उठ्यो ओका काई काई, जो बुलबुलो छे ओका सिरगुण का सिरगुण, और जो पानी छे ओका निर्गुण का। भी ये शरीर सिरगुण है और अंदर परमात्मा है, वो निर्गुण स्वामी है, निर्गुण भगवान है। देखा जानना के लिए संतन विषय वासना नसी दूर करिया।
सागर श्रावण में सागर भरिया जल थल जिनका भावरे। श्रावण में सागर भरिया ये श्रावण नाम श्रवण कान को डबा डब भर लेनु चाहिए। कान में इतनो परमात्मा को नाम भरे जानू चाहिए कि कई कान गाला न भी दी तो अपन राम को जो नाम सुनान को कई कानो अगर गलत शब्द भी उच्चारण किया पर अपन का तो वही नाम सुनान को कि नहीं अपनो तो वो अपनो धुंध जेका धुंध बटी जाए कई का नगर देख जो का धुंध बटी जाए और खेत तरफ जाए वो का धुंध बटेल छे कि इतना मेहनत करूंगा इतनी दवाई छिटूंगा इतना पानी देऊंगा तो इतना बोरा तो पकजगा। फिर वो धूरा धूरा भी फिर तो रहे हाथ बांधी ले एकलो जेकलो बोलो फिर कई कान देख रही आसो का ही करज भाई नहीं वो का साथ में कोई छे बोलने वालों को धुंध छे धुंध धुंध कारी आए वो ऐसी धुंध लगी जानू चाहिए। आप धुंध लागी रे प्यारे फिर अनहद मन मारो रमी रहो आप धुंध लागी और धुंध एक भैयो थो थोड़ो सो दृष्टान एक भैयो थो वो का धुंध बटी गई राम का नाम का अलावा वो का कोई समझ नहीं आवो संसार कहीं भी कया करो वो का राम को ही नाम आवो मेरे राम लक्ष्मण जिनके पिता दशरथ ओका धुंध बटी की मेरे राम मारो राम। एक दिन वो बाहर गांव पर गयो जाता जाता एक छावड़ा में झाड़ का नीचे बैठी गो और झाड़ का नीचे बैठी गो वहां एक पंछी बोलतो थो वो ओकी भाषा में चिल्लातो थो पंछी पक्षी ओकी भाषा में चिल्लातो थो पर ओका आसो सुना कि मारो राम लक्ष्मण दशरथ राम लक्ष्मण दशरथ राम लक्ष्मण दशरथ वो भाई बटी गो वाह 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 कितनो अच्छो बोली रो एक पक्षी हुई ना महारा भगवान को नाम ली रो तो कसो तो कही कि राम लक्ष्मण दशरथ। दूसरो भाइयो निकलतो था वो ना कही गो भैया अरे जरा आई जा सुनी तला आपुन नहीं बोलता पर देख पक्षी कसो बोली रोज। अब वो दूसरा भैया का दूसरी धुन थी वो कब बुलायो सुन भैया देख ये पक्षी कसो कोई रोज। अब वो भैयो तो पहलवान होगा कहीं समझ पड़ रही वो पहलवान तो वो पक्षी का बोल सुनिया उन्होंने कहा हट आसो नहीं कही तो ये राम लक्ष्मण दशरथ थोड़ी कही रोज वो तो कही रोज दंड बैठक कसरत राम लक्ष्मण दशरथ नहीं ये कही रोज दंड बैठक कसरत क्योंकि ओका धुंध ओकी बैठेल थी ये टाइम पे जाना है ये टाइम पे कसरत करना है ये टाइम पे व्यायाम कर ओका वही धुंध बैठेल थी। वो दोनों को आपस में झंझट होने का लग गई एक कहीं रो राम लक्ष्मण दशरथ तो एक कहीं रो दंड बैठक कसरत। अब लड़ाई होने का लग गई जब तक तीसरो आए ओ भैया हमारो झगड़ो मिटे ही था यार आई जा जरा आई जा हमारो झगड़ो मिटा। अरे ये पक्षी बोली रोज राम लक्ष्मण दशरथ ने ये और कहीं रोज की दंड बैठक कसरत। वो पास में आयो वो न सुनियो वो न देखियो वो बिचारो धंधा वालो आदमी थो वो अपनो पेट पालना का लेना हाथ ठेला पर सब्जी भाजी बेचतो थो। अब वो वहां गयो वो खता धुंध वही थी गली गली चिल्लाना की वो दुई नकी बात सुनी होने का नहीं तुम दोनों झूठ है वो आसो थोड़ी कही रोज वो तो आसो कही रोज प्याज लसन अदरक वो का धुंध बटेल थी धुंध। मेरे भाई बहनों देखा जैसी धुंध बटी जाए अब वो का धुंध बटेल थी काई तो कह की प्याज लसन अदरक उन्होंने कहा यार जात वाला जात पर कटकज रे दूसरी जात को कहीं को आई जाए तो अपन झगड़ो मोड़ है। वत्रा में एक मौलवी आई गो मोमेडियन भाइयों भी एक आई गो ओ भैया तू आई जा यार ये हमारा मा हमको नहीं पल्ला पड़ती जरा तू बता बला थारा हिसाब से तो वो कहा तो ओकी नमाज की आदत पड़ेल थी कहे वो कहा राम लक्ष्मण की आदत थोड़ी थी वो कब बुलायो कह की ये पहलो वालो कही रोज की राम लक्ष्मण दशरथ तो दूसरो कही रो दंड बैठक कसरत न तीसरो कही रो की प्याज लसन अदरक तुम्हारो काई कहनु छे एकदम तीन ही झूठा आसो नहीं है वो तो कही रो अल्लाह तेरी कुदरत। धुंध अपनी अपनी धुंध सबको बैठी गई और इसी प्रकार ऐसी धुंध बैठना चाहिए जैसी वो पहला को बैठी थी कि राम लक्ष्मण दशरथ वो धुंध आपको न कभी लगी जाए।
कहीं पर भी जावा, खेत में भी जावा तो अपनो भजन चालू छे, घर में रोटी भी बनाई रहा तो चालू छे, क्योंकि वो श्वास ही ऐसी छे, श्वास का भजन। रोटी बेली भी राज तो रोटी का इस प्रकार से बेली रही, एक श्वास जयरी ने एक आई। कबीर बाबा ने कहो कि बस इस विद राम रिझाओ रे साधो, इस विद राम रिझाओ, जो सुरता राम से लगाओ रे साधु, बस इस विद राम रिझाओ। कैसो राम तो कह की जैसी पणिहारी चली पनघट पे, जैसी पणिहारी चली पनघट पे सकियन में देर लगावे, किरोल करे और हाथ हिलावे पर सुरती घड़ा ठहरावे रे साधु, इस विद राम रिझाओ। पणियारेन बहन न आवा तो घर में न लाएगा तो काई को, पणियार ने तो पहले जाती थी ना भाई, ना एक दो न तीन धर लेती थी ना, और लगत एक आधो हाथ में भी, और सकी न मिली जाए ना, पंद्रह पंद्रह मिनट तक बात करो ना, जीजी आसो हुई गो बहन, ओसो हुई गो, खूब हासी हासी ना बात करो ना, दो ही हाथ छुट्टा छोड़ देना, पर उनकी सुरती ध्यान कार है अपना घड़ा का ऊपर, और कभी घड़ा पर ध्यान नहीं रहे तो फेंका जाएगी, पर नहीं अपनो घड़ो नहीं फेंकान देती। बाबा कह रहा इस प्रकार से सब काम करो, लेओ देओ खाओ पियो, पर अपनी सुरती अपना घड़ा पर। जैसी नटनी नाचे बांस पे ढा ढा ढोल बजाए, अरे मधारी लोग ना का देख जो, बाबा कह रहा कि वो एक मधारी लोग आवाज, रस्सी बांधी ना ऊपर, इस प्रकार से रस्सी का ऊपर चली ले एक लकड़ी का बैलेंस पर, अभी वर्तमान में देखी लीजो मदारी नको, जैसी नटनी नाचे बांस पर वहां ढाढ़ा डोल बजावे, पर लोग हंसे पर वो नटनी ना हंसे, क्यों वो हंसी ना फेंकाए कहीं, ओके सुरती तो होम अच्छी। मेरे भाई बहनों ऐसी अपनी सुरती भी राख जो, खेत में जाए बाड़ी में जाए भजन में जाए पूजन में जाए, पर अपनो ध्यान अगर भरमित हुई गो, ध्यान भटकी गो, लोग कहे नजर हटी तो घटना घटी, अपन बाल बाल बची राज, काल का मुंडा में डेली चली राज, और सबई अपन वाहन न पचली राज, थोड़ो सतर्क रहनु छे, अपना आप का बचानु छे, दूसरा का बचाना का चक्कर में अपना आप को भी देख जो, नहीं तो नजर हटी और घटना घटी। हमारे बाबा कहता था कि ये जीवन अंधा मोड़ है मेरे भाई बहनों, अंधो मोड़ वो कहा कि उधर से भी आयो और इधर से भी गाड़ी एकदम आमने सामने आवत दिखाती नहीं आई, पर रोड वाला ने ना संकेत लिखी दिया, वहां रोड न पर बोर्ड लिखी दिया कि अंधा मोड़ है, पुलिया का पास लिखी दियो क्षतिग्रस्त पुलिया है, दुर्घटना से देरी भली संभल के चलना। आपको कहे तुम्हारी गाड़ी ना का ब्रेक थोड़ी पकड़ना होगा, लिखना काम तो लिखी दी, अब आपन कभी अंधा हुई ना आंधा धुंध चला न, फिर कुछ हो तो ओखा दोष देवा। पुराना लोग कहता था कि आपनो चणो खोटो न दाई का दोष नहीं देवा, काम आपन खोटो करा न ओखा दुख देवा ओखा दोष देवा, नहीं आपन का संभाले चलनु छ। समल समल कर चलना रे भाई, समल समल कर चलना, समल समल कर चलना है, एक बन चला दो बन चलना, पर फिर तीसरा म पाए नहीं धरना रे भाई, समल समल कर चलना, एक बार दो बार अब कहां तक को माफ करेगा,
સંભળાઈને ચાલુ છે એખા લેણ સંતનને આપણા જીવન કા સંભાળ્યો આપણને કભી મારા ભાઈ બહેન હોણ સંભળાઈને ઇસ પ્રકાર સે ચાલુ છે એ પરચરી પુરાણ કા માધ્યમ સે બાબાને જો વાણી કહી એ પર અમલ કરનું છે આપણને કા આપણા જીવનમાં ઉતારનું છે એ વાણી ખેમદાસ બાબાને લખી 1748 જાણી ઓર સદગુરુ બોલ્યા નિર્મળ વાણી खेमदास बाबा कह रहा कि 1748 का अंदर साम्राज्य गुरु सिंगाजी बाबा ने निर्मल वचन से उनका मुखारबिंद से अमृतमय वाणी उनने हमको सुनाई ज्ञान लाखड़ी मोहे दीनी ये ज्ञान की लाखड़ी गुरु महाराज ने दीनी हम पर कृपा ऐसी कीनी 1748 में खेमदास बाबा कह रहा कि ये वाणी गुरु महाराज की कृपा हुई तो लिखी अब ये वाणी को सुना पढ़ा करा अभ्यास एक सुना पढ़ा और करा अभ्यास काई होगा वो तो मैं लिखे ले जीवन होगा कर्तार्थ जीवन को कर्तार करना है कल्याण करना है बिना जीव को डेडरो डर डर बोल बाणी जका हृदय प्रेम है ताके करना रुगानी बाबा कह रहे कि हाँ तो बिना जीव को डेडरो हाँ डरी डरी न बोलियो जसो डेडरो बिना जीव को हो आसो हो छे खेमदास बाबा ने ये परचरी पुराण लिखी खेमदास बाबा कह रहा संत महिमानंत है हरि करवो की बखान हौ खेम गिंडोलो एक है मति मंद अज्ञान सर अवसर जानू नहीं राम जी सर अवसर कुछ जानू नहीं सब माही रहो तुम व्याप 52 अक्षर नौ खंड में सत स्वरूपी आप 52 अक्षर नौ खंड में सत्य स्वरूपी आप हे परमात्मा अब सबका अंदर विराजमान छे थोड़ी कथा सरस रस मीठा हरि सुमरे तो वही नर डिटाव थोड़ी कथा सरस रस मीठा और हरि सुमरे वही नर डिटा थोड़ी सी कथा बाबा कह रहा कहते कहते जुग गया कछु कहो नहीं जाय और कुकर शुभाव छूटे नहीं फिर हार चवाय बाबा कह रहा कि कहते कहते जुग गया कुछ अब कहो नहीं जाए जो स्वभाव पड़ेगा वो कभी छूटा नहीं तो फिर हैड़ा खाए तकलीफ में जाए बाबा कह रहा कि मेरे भाई बहनों जैसी बाबा ना कृपा करी ओसी बाणी मन प्रकाशी संत महात्मा खेमदास बाबा कह रहा कि सिंगा जी बाबा की परचरी पूरी होई और जन प्रताप ये खेमना सिंगा जी बाबा की परचरी पूरी लिखी और जन प्रताप जन का प्रताप जानने वाले का प्रताप जो जानेगा वो प्रताप जो ख जाने जे जाने ते दे जनाई और जानत जानत आप ही आप हो जाई बाबा कह रहा संत सिंगाजी बाबा की परचरी पूरी हुई और जन प्रताप खेम जो कही बोलिए गुरु महाराज की जय संत सिंगाजी महाराज की जय तो अभी आप सबसे प्रथम आरती करांगा और आरती का बाद में संतों को स्वागत होगा अखंड 5 दिवसीय जो जोत जलेरी एक ही पूजा होगा पुराण की पूजा होगा और हमारा
यहाँ पर पधारे सभी संतों महंतों का स्वागत होगा और सभी यहाँ पर उपस्थित जनता हृदय दिल से सबको स्वागत किया जाएगा। और फिर एक बात में तो भंडारो छे बाबा दयालगिरी बाबा ने ये दया करी, आज यहाँ पर सबको प्रसाद वितरण होगा, कोई हमारा भाई बहन प्रसाद से वंचित नहीं रहे। थोड़ा सो अब आप आरती करांगा और आरती का भी थोड़ा